नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ Hyundai i20 Esta वेरिएंट 1.2 लीटर पेट्रोल। इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 8.69 लाख रुपीज़। और इस वीडियो में हम कंप्लीट एक वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं इस गाड़ी का। एक्सटीरियर और इंटीरियर में आपको क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। Esta वेरिएंट में आपको तीन इंजन्स मिलेंगे, 1.2 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर टर्बो और 1.5 लीटर डीजल। बट ये जो स्पेसिफिक वेरिएंट आपके सामने खड़ा है, ये 1.2 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो कि जनरेट करता है 83 bhp की पावर और 114 Nm का टॉर्क। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर किसी को इस गाड़ी का स्पोर्ट्स वेरिएंट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट भी देख सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और चलते हैं गाड़ी के फ्रंट की तरफ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंप्लीट फीचर्स Esta वेरिएंट के अंदर क्या क्या अवेलेबल कराए गए हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट की लुक्स के बारे में। फ्रंट में मिलते हैं आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद DRLs और नीचे आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर फोग लैम्प। यहाँ सेंटर में आपको मिलती है ब्लैक कलर की ग्रिल्स और बीच में Hyundai का बड़ा सा लोगो। बोनेट पर आपको चार करेक्टर लाइंस दिखाई दे रही होंगी जो कि काफ़ी शानदार लग रही हैं देखने में और गाड़ी की लुक को इन्हांस करती हैं। अगर इसके टायर प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो इसमें मिलता है आपको 195/55 R16 अलॉय व्हील्स। अब चलते हैं इस गाड़ी के ORVMs की तरफ। इसमें मिल जाते हैं आपको टर्न इंडिकेटर्स विद ऑटो फोल्डेबल और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट आप इस ORVM को कर सकते हैं। आपको मिल जाते हैं क्रोम फिनिशिंग के साथ डोर हैंडल्स और ड्राइवर साइड डोर पर आपको मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर। विंडो पर आप देख पा रहे होंगे कि क्रोम फिनिशिंग का काम हुआ हुआ है और गाड़ी की ये साइड प्रोफाइल मैं आपको पूरी दिखा देता हूँ। गाड़ी देखने में काफ़ी शानदार लग रही है। अब चलते हैं हम इस गाड़ी के इंटीरियर में और ओपन करते हैं इसका डोर। इसके डोर में मिल जाते हैं आपको चारों विंडो के पावर के कंट्रोल, डोर लॉक अनलॉक। नीचे आपको मिल जाता है बोटर होल्डर और साथ ही साथ कुछ स्पेस। अब दिखाता हूँ मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर और सबसे पहले बात करेंगे इस गाड़ी की सीट्स के बारे में। ड्राइवर साइड सीट में मिलता है आपको हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन और फ्रंट की दोनों सीट्स में आपको मिल जाते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट। अब एक बात और, इस गाड़ी में आपको मिलता है पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन और अगर इसके स्टेयरिंग की बात करूँ तो इसमें मिल जाते हैं आपको ऑडियो के सारे कंट्रोल्स। साथ ही साथ ये स्टेयरिंग है टिल्ट व टेलीस्कोपिक, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और ये एक इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग है। इस वेरिएंट में मिलती है आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन, बोस का म्यूजिक सिस्टम, चार स्पीकर, दो ट्विटर और सबवूफर। और साथ ही साथ आपको इसमें मिलता है वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन और कूलिंग पैड। 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये वेरिएंट अवेलेबल है, दो कप होल्डर्स और बीच में मिल जाता है आपको एक आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट का स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा है देखने में। और अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो कंप्लीट जेट ब्लैक कलर का डैशबोर्ड है। इस वेरिएंट में आपको मिलता है कूलिंग ग्लोब बॉक्स, आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा स्टोरेज इसके अंदर अवेलेबल है। अगर बात करें को पैसेंजर साइड, आपको यहाँ पर मिल जाता है एक वैनिटी मिरर। साथ ही साथ आपको इसमें मिल जाता है सनग्लास होल्डर, आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। Esta वेरिएंट में भी अवेलेबल है ये और स्पोर्ट्स में भी। और यहाँ पे आपको मिल जाती हैं दो लाइट्स। गाड़ी की बैटरी डाउन है। अगर बात करें इस गाड़ी के एक कंप्लीट इंटीरियर में तो काफ़ी शानदार इंटीरियर देखने में लग रहा है। i20 का इंटीरियर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको नीचे मिल जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB कनेक्टिविटी और साथ ही साथ आपको और भी कई सारे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं इस गाड़ी की रियर सीट की तरफ और देखते हैं कि रियर सीट में क्या स्पेस अवेलेबल है। फ्रंट की सीट मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है। तो बैक डोर में भी यहाँ पे आपको मिल जाता है अपनी विंडो का एक स्विच, आप यहाँ से अपनी विंडो डाउन कर सकते हैं। नीचे आपको मिल जाता है एक बोटर होल्डर और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस वेरिएंट में लगे हुए हैं बोस के स्पीकर्स। रियर सीट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं फिक्स हेडरेस्ट और काफ़ी निराश करने वाली बात है क्योंकि Esta वेरिएंट में भी आप लोगों को एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं। और पीछे आपको मिल जाता है रियर AC, साथ ही साथ चार्जिंग सॉकेट। अब बैठते हैं इस गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि क्या स्पेस अवेलेबल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्रंट की सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है और अब बैठ के ही चेक कर पाएंगे कि कितना लेग स्पेस अवेलेबल है, कितनी अंदर थाई सपोर्ट इस वेरिएंट में है। एक बार मैं आपको कंप्लीट व्यू दिखा देता हूँ पीछे से फ्रंट डैशबोर्ड का ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। अब जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं काफ़ी अच्छा स्पेस अवेलेबल है और अगर मैं बात करूँ अंडर थाई सपोर्ट की वो भी ठीक ठाक ही है। और अगर बात करें कि पीछे कितने बंदे आराम से बैठ सकते हैं तो इसमें दो अडल्ट और एक छोटा बच्चा आराम से बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं होने का। गाड़ी की चौड़ाई पहले से बढ़ चुकी है तो काफ़ी अच्छा सा स्पेस इसमें है। यहाँ रूफ में आपको मिल जाती है एक लाइट और साथ ही साथ आपको इसमें मिलते हैं फिक्स ग्रैब हैंडल्स। यहाँ पीछे आपको मिल जाती है रियर पार्सल ट्रे
अभी भी कई ऐसे फीचर्स हैं जो रियर सीट में मिसिंग है, जैसे कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है एस्टा वेरिएंट होने के बावजूद, और बीच में एक आर्मरेस्ट भी अवेलेबल नहीं है रियर सीट में। इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है। अब चलते हैं इस गाड़ी की बैक प्रोफाइल की तरफ और मैं आपको एक कंप्लीट व्यू दिखाता हूँ इस गाड़ी की बैक प्रोफाइल का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ब्लैक और रेड कलर में इसकी बैक प्रोफाइल है। यहाँ पे आपको मिलते हैं जेड शेप में टेल लाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स हैं और काफ़ी अच्छा क्रोम का यूज़ भी यहाँ पे किया गया है। ये जो टेल लाइट्स हैं ये काफ़ी शानदार लग रही हैं देखने में, और जो कि बैक प्रोफाइल से i20 को एक बेहतरीन लुक देती हैं। आपको ये टेल लाइट्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के बैक प्रोफाइल में और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो बैक प्रोफाइल में आपको मिल जाता है शार्प फिन एंटीना, हाई स्टॉप माउंट लैंप, डीफोगर, रियर वाइपर और साथ ही साथ वॉशर भी। और अगर बात करूँ इस गाड़ी में और क्या मिल जाता है आपको बैक प्रोफाइल में, तो आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको मिल जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा। अब चलते हैं हम इस गाड़ी की को ड्राइवर साइड और मैं आपको एक कंप्लीट व्यू दिखा देता हूँ इस गाड़ी के को ड्राइवर साइड का, और उसके बाद हम इस गाड़ी के अंदर चलेंगे। को ड्राइवर साइड की सीट में आपको इधर से दिखाऊंगा डोर ओपन करके कि कैसा लगता है जब हम गाड़ी को लेफ्ट हैंड साइड से भी ओपन करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर गाड़ी का राइट हैंड साइड ही कवर करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की को ड्राइवर साइड। सेम वही फीचर्स आपको अवेलेबल होते हैं चारों विंडोज़ में, चार स्पीकर्स मिलते हैं आपको बोस के। और एक बार मैं आपको कंप्लीट इंटीरियर दिखा देता हूँ। ब्लैक कलर का ये इंटीरियर है। पहले वाले वेरिएंट का इंटीरियर ज़्यादा सुंदर था, जो कि डुअल टोन में आता था। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जेड ब्लैक कलर का इंटीरियर कैसा लग रहा है। एक बार मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड से भी इसका डोर ओपन करके दिखा देता हूँ और आप भी देख के बताइएगा कि आपको इस तरफ से गाड़ी देखने में कैसी लग रही है, क्योंकि ज़्यादातर हम गाड़ी को राइट हैंड साइड से ही देखते हैं। अब एक बात और जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो भी व्यूअर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं, कि i20 का ये जो नया वाला वेरिएंट लॉन्च हुआ है 5 नवंबर को, तो ये आपको कैसा लग रहा है? पहले वाला वेरिएंट आपको ज़्यादा पसंद था या ये वाला वेरिएंट आपको ज़्यादा पसंद है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को अब हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि इस गाड़ी की बैटरी डाउन है तो मैं आपको बूट स्पेस ओपन करके नहीं दिखा सकता दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ना ही मैं आपको इस गाड़ी की टच स्क्रीन चला के दिखा सकता हूँ, बट कोई बात नहीं, हम दोबारा कभी रिव्यू करेंगे तो हम इस गाड़ी को डायरेक्ट आपको चला के दिखाएंगे और इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट भी ज़रूर करेंगे। और जिनको भी इस गाड़ी का स्पोर्ट्स वेरिएंट देखना है 1.2 लीटर पेट्रोल में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से स्पोर्ट्स वेरिएंट भी जाके देख सकते हैं। तो अब मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।